अस्सलाम वालेकुम मुलानो, इयत्ता सातवी, विषय मराठी, कविता क्रमांक 9, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। प्रिय मित्रांनो, पुढच्या आठवड्यात आपण ही कविता शिकली होती आणि स्वाध्यायाचे काही प्रश्न पण आम्ही सोडवले होते, पण काही भाग जे आहे ते उरलेला होता, तर ह्या व्हिडिओमध्ये ते आपण शिकणार आहोत। ठीक आहे, तो पिछले वीडियो में हमने ये कविता सीखी थी, लेकिन कुछ हिस्सा इस कविता का स्वाध्याय का रह गया था, जो इस कविता में हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करूया। तो सदैव सैनिका पुढे जायते पाई जायचे पार्ट 2 आहे हे। तो जोड़ शब्द बनवा, इकड़े काही शब्द दिले आहे मुलांनो तुम्हाला, दे अ मध्ये आणि आ मध्ये काही शब्द दिले आहे, ते शब्दांना जोडून तुम्हाला काही जोड शब्द तयार करायचे आहे। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के शब्द जब बड़े बड़े आते हैं तो आप लोग डर जाते हैं कि ये इतना बड़ा शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन बच्चों, वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये शब्द जो है वो अपने जो दो शब्द हैं उनको जोड़कर वो नया एक शब्द बनता है। तो अगर आपको अलग अलग उनके भी मतलब मालूम है तो जुड़कर जब वो आएंगे तब भी उनका मतलब वही रहेगा। तो ऐसे बड़े अल्फाजों से डरने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो संध्याकाळ तर इकड़े काय आहे ना, संध्याकाळची जोड़ी सकाळ है ना, सकाळ, तो इसका क्या बजाएगा, सकाळ संध्याकाळ। कौतुक, इकडून काय जोडणार आपण, कोळ, तर काय जाणार हो जाणार, ते नवीन शब्द काय होणार, कोड कौतुक। खाली आणि वर खाली। फटक पांढरे फटक। टप्पा गप्पा टप्पा। जमवा जमव। दरी तर डोंगर दरी। घुबरा घाबरा तर घाबरा घुबरा। इस तरह से पहले अ वाले शब्द आएंगे, फिर अ वाले शब्द आएंगे और उनको जोड़कर यहाँ पर आपका नया जोड़ शब्द तैयार होगा। अतः इकड़े काही वाक्य दिलेले आहे ते आपण वाचूया। शाबाश, किती छान आहे। छे छे, मला नाही आवडले। बाप रे, तो पहा साप। तर मुलांनो, आपल्या मनात दाटून आलेले भावना आपण एखाद्या उद्गार वाटे व्यक्त करतो, मतलब हमारे दिल में हमारे मन में जो भावना आ रही है, जो जज्बात आ रहे हैं उमड़ के, उसको हम जो है वो क्या करते हैं, उसका इजहार करते हैं, एकदम से हम उसका इजहार करते हैं। जैसे शाबाश, छे छे, बापरे, हे काय आहे, केवल प्रयोगी अव्यय आहेत। या शब्दांमुळे, ये जो शब्द हैं ये केवल प्रयोगी शब्द हैं आणि या शब्दांमुळे आपल्या मनातली भावना प्रभावीपणे व्यक्त होतात, और इन शब्दों की वजह से अपने दिल की, अपने मन की जो जज्बात है, जो भावना है, वो बहुत ही पुरअसर अंदाज में क्या होती हैं, उनका इजहार होता है, वो बाहर आती हैं। यानी हम जर जाते हैं शाबाश, ये जैसे इस लफ्ज़ से हमको समझ में आ जाता है कि किसी की तारीफ़ हो रही है। छे छे, इस लफ्ज़ से समझ में आ रहा है कि किसी को कोई चीज़ नापसंद है। बाप रे, यहाँ पर है, यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, इस लफ्ज़ से हैरत का हमको समझ में आता है। तो या शब्दांना, तो ऐसे शब्दों को उद्गारवाचक शब्द असे ही म्हणतात। ठीक है, आता पुढे पाहूया शुद्ध लेखनाचे काही नियम। यानी खुशकत अगर आपको सही लिखना है तो आपको सही लिखने के लिए कुछ नियम मराठी के होते हैं, उसूल होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे पाउल, गरीब, चूल, चुल, मानूस, जमीन, फूल। तर वरील शब्दांच्या शेवट्याच्या दोन अक्षरांचे निरीक्षण करा, काय जाणवते, मतलब आखिर के दो जो अक्षर है उनका हमको निरीक्षण करना है। जैसे यहाँ पे ल है और यहाँ पे उ है, ब है, री है, ल है, उ है, स है, उ है, म है,
न है, नी है, ल है, फू है। तो इनका निरीक्षण हमने इनका मुशाहिदा किया है। अब आगे क्या समझ में आ रहा है? या शब्दांतील शेवट्या अक्षराला काणा, मात्रा, वेलांटी, उकार या चिन्हापैकी कोणते चिन्ह नाही। देखो जैसे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि इन अक्षरों को किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है, कोई विलांटी नहीं है, कोई काणा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, कोई उकार नहीं है। ये अक्षर अपने आप में जो अक्षर का असली रूप है वही रूप इनका यहाँ पे जो हाईलाइटेड जो है वो अक्षर हमको दिखाई दे रहे हैं। मंझेच हा या शब्दांतील शेवटचे चिन्ह नाही। मंझेच या शब्दांतील शेवटचे अक्षर आकारांत आहे, मतलब ये शब्द आकार से रहित, आकार बिना आकार के, आकारांत मतलब बिना आकार के आहे, बिना उनपे कोई विलांटी और वगैरह नहीं है। आणि शेवटीन दुसरा अक्षर आला, यानी शेवट से आखिर से दुसरे अक्षर को दिलेली विलांटी किंवा उकार दीर्घ आहे। दूसरा अक्षर जो है आखिर से जो दूसरा अक्षर है वो जो है जैसे ई ई उ उ है ना, तो जो दूसरा अक्षर है वो दूसरा विलांटी है या दूसरा उकार है। जैसे दूसरी विलांटी है, दूसरा उकार है, ये भी दूसरा उकार है ना। तो लक्षात ठेवा, मतलब क्या होता है इसमें, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको बच्चों कि जब आखिर के अक्षर में कोई भी विलांटी काणा मात्रा ना हो तो उसके पहले जो अक्षर आएगा उसको जो लगने वाली विलांटी या ये होगी उकार होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन हमको एक बात और ध्यान में रखनी है कि संस्कृत मधुर मराठी मधे, मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मराठी में आते हैं तो वो उनके अंदर ऐसा कोई नियम नहीं होता, बल्कि वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे र है आखिरी शब्द अक्षर तो इसमें पहली विलां जो है वो उकार है, यहाँ पे भी र है इधर पहली विलांटी है, यहाँ पे न है इधर पहली उकार है, यहाँ पे म है यहाँ पहला उकार है, यहाँ पे य है और यहाँ पे पहला विलांटी है। तो बच्चों इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मज़ीद हम मालूमात आज़ूम लेसन के दौरान हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।